असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट बेटा ये क्लास फिफ्थ सेमिस्टर की है एंड माई डियर द पेपर इज ईश्यूज़ एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन ओके तो कल हमने डिस्कस किया था वैल्यू एजुकेशन और मैंने टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ भी आपको बताए तो इसमें जो लास्ट लेक्चर अभी रहता है इस वाले पोर्शन में तो वाट इज़ दैट आप आराम से देख सकते हैं ये ये मैंने डायरेक्टली नोट्स से ही लिया है तो अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो बेटा डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे देता हूँ बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिए हैं लेकिन बहुत सारे कम बच्चे नोट्स ले रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड वाई अगर आपको चाहिए देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं इन्हीं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ कल भी आपको इसी नोट्स में से इनशाला क्वेश्चनज आएंगे तो चलते बेटा डिस्कस करते हैं वट डिस्कस ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ये आपका एक क्वेश्चन है तो देखिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है कैसे डिफाइन करेंगे देखिए ह्यूमन राइट एजुकेशन इज डिफाइंड एज द लर्निंग ऑफ लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स इसकी हिस्ट्री इसकी थ्योरी एट्सेट्रा तो ह्यूमन राइट एजुकेशन इज़ डिफ़ाइनड एज द लर्निंग ऑफ लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स इट इज़ हिस्ट्री थ्योरी ओके एजुकेशन इज नेसरी टू डेवलप ह्यूमन पर्सनलिटी एंड इट इज हेल्पफुल टू स्ट्रेंथ राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ़ द इंडिविजुअल देखिए बेटा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है हर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं लेकिन इसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता है तो एजुकेशन ही ऐसा टूल है ऐसा हथियार है जिससे आपको अपने राइट्स अपने हक का पता चल जाता है तो अगर आप वो एजुकेशन जो आपके राइट्स के बारे में आपको बताता है कि आपका हक क्या है आपको कहाँ पर कहाँ बात करनी है तो उसके एजुकेशन को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ओके तो डायरेक्टली चलते हैं बेटा अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आपको देखना है देखिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो ये अकॉर्डिंग टू यूनिस्को अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर नंबर वन आप देख सकते हैं नंबर वन क्या है एनहेंस द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी तो मैं बात कर रहा था ना वो एजुकेशन जो आपका नॉलेज एनहेंस करेगा इंक्रीज करेगा किन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके ह्यूमन राइट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है देखिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इट इंक्रीजेस द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स ये पहला ऑब्जेक्टिव है दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं बेटा फॉस्टर एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस रेस्पेक्ट सॉलिडेरिटी एंड रेस्पांसिबिलिटी वेरी इम्पॉर्टेंट तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप आराम से देख सकते हैं ये फॉस्टर यानी इनकी एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस आप में जब देखिए जब आप में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन आता है आप में एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस डेवलप हो जाता है रेस्पेक्ट सॉलिडेरिटी है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बन जाता है किसका ह्यूमन राइट्स कमीशन का ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का नंबर थर्ड पे आते हैं डेवलप अवेयरनेस ऑफ हाउ ह्यूमन राइट्स कैन बी ट्रांसलेटेड इन सोशल एंड पोलिटिकल रियालिटी राइट माईडियर तो ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट्स है जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोशल और पोलिटिकल रियालिटी में ठीक है तो वनस यू हैव ए वेरी गुड एजुकेशन एजुकेशन से आपके तमाम जितने भी ह्यूमन राइट्स है आपको मतलब उनके बारे में पता चल जाता है और आपको यह भी पता चल जाता है कि जो भी हमारे राइट्स हैं उनको कैसे सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर थर्ड पे आते हैं डेवलप स्किल्स फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स यस अगर आपके पास सही एजुकेशन नहीं है तो माय डियर याद रखो जहां पर सही एजुकेशन नहीं है वहां ह्यूमन राइट्स की कोई कदर नहीं है तो हम अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास र, 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 राइट एजुकेशन हो तो राइट एजुकेशन कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ओके नंबर नेक्स्ट स्ट्रंगथनिंग रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम तो यहाँ ये यह, ये यह ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं तो ये भी हाँ स्ट्रॉथिन रेस्पेक्ट फॉर आपको ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड रेस्पेक्ट की स्ट्रेंग डेवलप हो जाती है और आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में भी आपको रेस्पेक्ट की स्ट्रेंग्थ बन जाती है तो नंबर नेक्स्ट में चलते हैं फुली डेवलपिंग द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट सेंस ऑफ डिग्निटी ये तो सेल्फ एक्सपेनेट्री है कि विद द हेल्प ऑफ human right education you can develop the human personality and it is a sense of dignity okay number next we are there enabling everyone to participate effectively in a free society united nations activities for maintaining peace तो ये सारी चीज़ें यू गो थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव बेटा कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव तो आप ये आराम से ऑब्जेक्टिवस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये नोट्स में भी अवेलेबल है तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली नोट्स का स्क्रीन उठाया और वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओके okay. नाउ ये जो इंपॉर्टेंट है सो फॉर एस एंट्रेंस एग्जाम एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न तो ये वाला ऑब्जेक्टिव पिछली बार एग्जाम में आया था कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से ये कब किया गया था देखो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स इज एक्नोलॉज एज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन ह्यूमन राइट हिस्ट्री जब हम ह्यूमन राइट्स हिस्ट्री की बात करते हैं ना तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ऐसा डॉक्यूमेंट है इट इज़ हैविंग अ हिस्टोरिक प्लेस ओके इट वॉज ड्राफ्टेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ बहुत सारे कंट्रीज के लोग वहां पे शामिल थे और इसको लीगली कल्चरली एक्सपीरियंस की हिसाब से ड्राफ्ट किया गया था तो ने ड्राफ्ट किया था द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली प्रोकलेमड दिस डिक्लेरेशन इन पेरिस फ्रांस ऑन कब टेंथ दिसंबर 1948 तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये कब मनाया जाता है यानी कब इंट्रोड्यूस हुआ था टेंथ दिसंबर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एट ओके दिस डिक्लेरेशन स्टेट इज दैट बेसिक ह्यूमन राइट रिक्वायर प्रोटेक्शन तो हर किसी ह्यूमन राइट right के जो बेसिक्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है एंड आपको पता है इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन फाइव हंड्रेड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड तो ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना ये कमीशन है वर्ल्ड वाइड कमीशन यानी ह्यूमन uh, राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है तो इट वाज ड्राफ्टेड ऑन एट टेंथ डिसंबर नाइनटीन ओके तो ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट हाउ कैन वी डेवलप दीज वैल्यूज ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है हाउ कैन वी जस्ट सेकेंड इसको क्या हो गया हाँ तो डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ देखो ह्यूमन वैल्यूज़ कैन बी डेवलप्ड बाई फॉलोइंग वेज़ हम मॉर्निंग असम्बलीज़ कर सकते हैं मॉर्निंग असम्बलीज़ में आप देख सकते हैं कि आपने भी बचपन में या जो जब आप छोटे थे 11th ट्वेल्थ तक थे तो आप लोगों ने भी मॉर्निंग असम्बलीज़ को अटेंड किया होता किया क्या हो गया किया होगा तो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो हमें मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते थे ठीक है तो कैसे आप ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करोगे तो देर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज बाई विच वी कैन डू दैट एंड वन इज माई डियर मॉर्निंग असेंबली तो मॉर्निंग असेंबली चूंकि पंद्रह से तीस मिनट की ड्यूरेशन होती थी तो हम इट वॉज अ मैंडेटरी कि जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते थे तो स्कूल में एडमिशन के बाद जो सबसे पहला काम किया जाता था स्कूल में वो था टू तो अटेंड द मॉर्निंग असेंबली मॉर्निंग असेंबली एक आपको एक डिसिप्लेंड वे सिखाती है तो बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करते थे टीचर्स अपनी एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट होते थे नंबर सेकेंड वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कम्पल्सरी सब्जेक्ट्स यानी वैल्यू एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेज द एसेंशियल टीचिंग्स टीचिंग रिलीजन शुड बी टॉट ओके तो रिलीजन से हमें बहुत सारे वैल्यूज के बारे में पता चल जाता है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिजिजाइन शुडिजाइंड इन ऑर्डर टू तो इनकलकेट वैल्यूज वेरियस लाइक हिस्ट्री जोग्राफी लिटरेचर लैंग्वेज आर्ट म्यूजिक तो ये सारी चीजों को हमें तो सिखाना है ठीक है तो इससे हमारा जो वैल्यूज़ है वो इनकलकेट हो सकता है तो ये इतनी सारी सब्जेक्ट्स को रिडिज़ाइन करना है हम अपने करिकुलम को रिडिज़ाइन कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स को हम करिकुलम में रख सकते हैं जिससे हमारा सोशल मॉरल कल्चरल नेशनल नीड्स अचीव हो सके। ठीक है एंड वन मोर थिंग एक्सटेंशन लेक्चर यस किसी एक्सपर्ट को लाते थे जो आपको नसीहत करता हाँ एक्सटेंशन लेक्चर्स बेस्ड ऑन वैल्यू एजुकेशन शुड बी अरेंजड इन एजुकेशन एक्सपर्ट शुड बी इन्वाइट टू डिलीवर स्पीच ऑन वैल्यू एजुकेशन ओके ये तो सिंपल है डिक्लेमिनेशन कॉन्टेक्स्ट डिकलेन कॉन्टेक्स्ट शुड बी ऑर्गेनाइज इन द इंस्टीट्यूशन द थीम इज रिलेटेड टू सोशल मॉरल Cultural, aesthetic and spiritual values of life.

में कोई मैसेज होती थी मॉरली अच्छी मैसेज होती थी ठीक है जिसमें सोशल इश्यूज होते थे या मॉरल इश्यूज और कल्चरल वैल्यूज तो बिसाइड इज दिस बुक एग्जिबिशन ऑन लिटरेचर रिलेटेड तो जिसमें वो बुक्स जो मॉरल सोशल कल्चरल ऑस्थेटिक एंड स्परिचुअल वैल्यूज ऑर्गेनाइज करते थे तो ये भी सारी चीजें होनी चाहिए Apart from this, uh, we have art and painting competition. Art and painting competition may be organized on themes. really to so, aisa art banana hai jisme wo picture ऐसी ho jisme moral value मतलब नजर आए। तो भाई यहाँ celebration of birthdays of great men। हमें बहुत सारे great जो बहुत सारे religious, religious के बहुत सारे great great men हैं, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे और बिलाआउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉर्ड बुद्धा महात्मा गांधी अमामा इकबाल एट्सट्रा तो जब हम उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें पता चलता है हाउ वैल्यूबल दे आर तो उनकी टीचिंग से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता था और सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे यानी जो ह्यूमन राइट्स डे हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है यूज़ ऑफ मैथ मीडिया वैल्यू और इंटरप्राइजेज एटसेट्रा तो दीज आर माय डियर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बाय विच वी कैन डेवलप द वैल्यूज़ आई होप बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आया और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग नाउ माई डियर इसमें एक ही क्वेश्चन रह जाता है दैट इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन तो मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी आप खुद ही वो कर सकते हो अगर मुझे टाइम मिला तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक में जो भी मेरा टाइम फीसबल होगा तो उसमें ये लेक्चर में डिलीवर कर दूंगा तो बाकी मे अल्लाह ब्लेस यू मे अल्लाह सक्सीड यू तो बाई दिस वी हैव कंप्लीटेड सिलेबस <laughs> अब आपका काम है गो थ्रू द लेक्चर्स कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मेरे नोट्स भी आप ले सकते हो उनमें इनसे भी आप हेल्प कर ले सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो बेटा एंड एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन ओके थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग